हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसमें हमने टॉपिक कवर किया है डाउनसाइड कैसे मैटर करता है और सम बेसिक एरिथमेटिक्स जो नेगेटिव रिटर्न आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पेक्ट करता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। इसमें हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अच्छे आइडियाज लाते रहेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वॉरेन बफेट के दो मेन इन्वेस्टमेंट रूल थे। पहला एक के नेवर लूज योर मनी, दूसरा रूल था नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन। अभी इसको समझने के लिए, ये फिलोसॉफी समझने के लिए आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो पोर्टफोलियो के ऑप्शन है। इसमें एक में इन्वेस्टमेंट ए है जिसमें पहले साल 40% रिटर्न मिलता है, दूसरे साल 50%, तीसरे साल -60% और चौथे साल 65%। दूसरा इन्वेस्टमेंट बी जिसमें पहले साल 20% रिटर्न मिलता है, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 17% और चौथे साल 20%। अभी अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा था, ए या बी, तो आप बोलोगे ए। आपको लगेगा 40, 50, 60, 65% जैसे रिटर्न है, फिगर है, बढ़िया है, तो उसमें ही ज्यादा, और इन्वेस्टमेंट बी में कम रिटर्न मिला होगा। तो दोस्तों, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, सिंपल एवरेज, तो इन्वेस्टमेंट ए का आएगा 23.75% और इन्वेस्टमेंट बी का 18%। तो आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट ए काफी अच्छा है, लेकिन ये एक सिंपल एवरेजिंग मेथड है जो मार्केट में काम नहीं करती है। मार्केट में काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। इसको समझने के लिए आइए अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं बोथ इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी में। तो आफ्टर वन ईयर इन्वेस्टमेंट ए में होता है 140 रुपीज, इन्वेस्टमेंट बी में होता है 120 रुपीज। आफ्टर टू ईयर्स इन्वेस्टमेंट ए में होता है 210 रुपीज एंड 138 रुपीज इन इन्वेस्टमेंट बी। ऐसा आफ्टर फोर ईयर चार साल के बाद इन्वेस्टमेंट ए में हो जाएगा 138 रुपीज और इन्वेस्टमेंट बी में हो जाएगा 193.75 रुपीज। तो दोस्तों, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट ए में हुआ 138.6 रुपीज और इन्वेस्टमेंट बी में हुआ 190.75 रुपीज। ये ऐसे हुआ, अगर आप सोचो कि एरिथमेटिक मीन के हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट ए में ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए था और इन्वेस्टमेंट बी में कम। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 100 रुपये का 138 इन्वेस्टमेंट ए में हुआ, जो कम है 193 से इन्वेस्टमेंट बी के कंपेयर में। तो ये इसलिए हुआ कि जो तीसरे साल इन्वेस्टमेंट ए में जो नेगेटिव रिटर्न मिला है, उसकी वजह से जो आगे का रिटर्न मिला था वो सब वाइप आउट हो गया, वॉश आउट हो गया है। उसकी वजह से वो ओवरऑल रिटर्न जो है फोर्थ ईयर में वो कम दिख रहा है। तो दोस्तों, ये एक कंपाउंडिंग और क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जो मार्केट में काम करती है। सिंपल एरिथमेटिक कभी काम नहीं करता है। अगर आपको ये और समझना हो तो आइए हम अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें मिस्टेक कैसे अवॉइड करनी है। चलो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें 100 रुपये अगर आपने किसी भी स्टॉक में लगाए, अगर वो -25 होता है तो वही को उसी स्टॉक को 100 रुपये तक लाने के लिए वापस +33% गेन करना पड़ता है। उसी हिसाब से अगर 100 रुपये का स्टॉक गिर के -50% गिर जाता है, 50 रुपये होता है, तो 50 रुपये को 100 रुपये करने के लिए वापस 100% का गेन करना पड़ेगा, तो वो 50 रुपये का 100 रुपये होगा, रुपये का 100 रुपये होगा। इसी तरह से अगर वो -75% फॉल होता है तो उसको उधर उस प्राइस से वापिस 100 रुपये तक पहुंचाने के लिए +33% का गेन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर वो -90% फॉल करता है तो वापिस 100 रुपीज तक लेने के लिए +900% तक। तो दोस्तों, ये अगर आप देख सकते हो, अगर माइनस फॉल होता है तो वापिस गेन करने के लिए कितना गेन करना पड़ता है। अगर यही चीज अगर आप प्लस में रखते हो, चाहे वो 5% हो या 10%, लेकिन वो माइनस नहीं होता है तो ओवरऑल आपका गेन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक फिलोसॉफी थी जो सिंपल एरिथमेटिक मीन वर्सेस कंपाउंडिंग इफेक्ट की थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज